सब्सक्राइब करें उस्मान टेक्नो चैनल को, बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान टेक्नो। आज की वीडियो हम प्ले करने वाले हैं मोबाइल के अंदर माइनक्राफ्ट। तो यार काफ़ी ज़्यादा लोगों का कमेंट्स आ रहे थे यार आप मोबाइल के अंदर जावा एडिशन वाली सेटिंग का बताओ। तो यार आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने माइनक्राफ्ट गेम के अंदर जावा एडिशन वाली कैस्टिंग कैसे कर सकते हो। तो यार आप देख ही रहोगे यार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है अगर हम ब्लॉक को कलेक्ट करें। तो यार जिस ब्लॉक को हमने कलेक्ट करना है तो उसी ब्लॉक के ऊपर हमें क्लिक करना पड़ता है। तो यार आपने देखा होगा जावा एडिशन के अंदर ये प्लस वाला निशान आता है तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है ब्लॉक को कलेक्ट करने के लिए। तो कैसे हम अपने इसको मार्केट कर सकते हैं, प्लस वाला निशान लाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मार्केट जावा एडिशन वाली सेटिंग इसके अंदर हम करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इधर सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपने ये टच वाले ऑप्शन पे जाना है। टच वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपने स्पेल्ट कंट्रोल्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने वीडियो में जाना है। वीडियो में जाने के बाद नीचे जाना है, आपने ये पॉकेट है इसको आपने क्लासिक कर देना है। तो ये हम आप चक्स इधर से बढ़ा भी सकते हैं, तो मैं तकरीबन 10 कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हो, ये देखो प्लस का निशान भी आ चुका है, हमारी जो सी पावर वगैरह वो भी नीचे आ चुकी है। तो गाइस अब हम काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। तो गाइस अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर कलेक्ट करें तो इस ब्लॉक के ऊपर जो प्लस वाला निशान ला के आप कहीं भी क्लिक करोगे तो वो ब्लॉक कलेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम अपनी इन्वेंट्री में जाएंगे तो ये देखें, ये भी पूरी जावा एडिशन वाली है। तो गाइज ये आप देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा इन, ये देखें ब्लॉक को कलेक्ट, अगर हम ब्लॉक लगाएंगे तो वो भी ऐसी तरह लगा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो का, तो इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।